नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज CNS दृष्टिकोण में। आज हमारे साथ बहुत महत्वपूर्ण महिला जुड़ी हैं, बहुत सशक्त, जिन्होंने मानवाधिकार के मुद्दों पे, महिला अधिकार के मुद्दों पे और बहुत विशेष योगदान दिया है। आज मैं उनके बारे में बताऊं, इससे बेहतर है कि हम लोग आज खुद उनके बारे में उनसे जानें। तो किरण जी, स्वागत है आपका, और आप प्लीज़ हम सब लोगों को अपना परिचय दीजिए और अपने महत्वपूर्ण काम के बारे में बताएं। जी जी नमस्ते सभी को। नेशनल नेटवर्क ऑफ सेक्स वर्कर की ओर से मैं किरण हूँ। मैं इंडिया में रहती हूँ, इंडिया में महाराष्ट्र के सांगली में रहती हूँ। और नेशनल नेटवर्क ऑफ सेक्स वर्कर जो है वो सेक्स वर्क करने वाले व्यक्तियों के साथ में अपना नेटवर्क बनाए हुए है। व्यक्ति मैं इसलिए बोल रही हूँ कि देखिए, हमारे नेटवर्क में सिर्फ मतलब सेक्स वर्क करने वाली महिला नहीं, तो ट्रांसजेंडर है, MSM है, इसलिए मैं व्यक्ति बोल रही हूँ। और हमारा जो ये नेटवर्क है, नेशनल नेटवर्क ऑफ सेक्स वर्कर, ये इंडिया के 8 राज्यों में कार्यरत है। जैसे कि आपने सुना होगा, महाराष्ट्र है, कर्नाटका है, तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश, झारखंड, गुजरात, तेलंगाना, इस तरह से 8 राज्यों में कार्यरत है। हमारे नेटवर्क में जो सेक्स वर्कर व्यक्ति है वो लगभग 1.5 लाख से भी ज्यादा है। और हमारे साथ में सपोर्टर भी जुड़े हुए हैं। जैसे कि जो सेक्स वर्क की सेक्स सेक्स वर्क को वर्क मानते हैं और सेक्स वर्क करने वालों के अधिकार के लिए उन पर होने वाले अत्याचार के विरुद्ध वो हमेशा से हमें सपोर्ट करते हैं। तो सपोर्टर भी है, जैसे मीना शेशु मैम है, जैसे आरती जी मैम है, जैसे मीरा मैम है, श्यामला मैम है, और ऐसे संगमा से है राजेश, और सॉरी राजेश और निशा है, और गुजरात से है लोग, झारखंड से है। तो ऐसे हम सब मिलके अपने नेटवर्क के लिए कार्यरत हैं। हम सुप्रीम कोर्ट का बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में कम से कम हमारे हक में कुछ तो बोला। तो जैसे उन्होंने बोला कि पुलिस का मतलब वायलेंस नहीं होना चाहिए, मेडिकल सुविधा हमें मिलनी चाहिए, हमारी मर्जी ना हो और कोई हमसे सेक्स वर्क करे तो वो हमारा बलात्कार समझ लीजिए। और जैसे कि दालसा नालसा जो है उनके साथ में भी जुड़ के हमें काम करना है। ये मतलब ऐसी कुछ चीजें हैं जो हमारे सपोर्ट में कही है सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय दिया है कि एबॉर्शन के लिए अब पति की साइन नहीं चलेगी, मतलब पति की साइन नहीं भी हो तो चलेगा। तो ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय है और इस निर्णय का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं एज अ नेशनल नेटवर्क ऑफ सेक्स वर्कर। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं खास तौर से इसके लिए कि आपने ये बात भी रखी कि विभिन्न लैंगिक और यौनिक पहचान के लोग भी ये सेक्स वर्क करते हैं और सेक्स वर्क वर्क है। तो किरण जी, कितनी कितनी चुनौतीपूर्ण है ये बात सरकार से और कानूनी रूप से श्रम अधिकार मिलने का, आप लोगों को श्रम अधिकार मिले सम्मान के साथ, ये इस संघर्ष के बारे में थोड़ा सा बताइए। ये बहुत महत्वपूर्ण संघर्ष है कि जितने लोग भी सेक्स वर्क में जुड़े हैं उनको उनको श्रम अधिकार सम्मान के साथ मिले, और कानूनी लड़ाई में और क्या परिवर्तन होने चाहिए जिससे कि एक सम्मान के साथ जिंदगी जी सके एक व्यक्ति, एक इंसानी इंसान, एक इंसान की तरह जो हम लोग सब जिंदा हैं, तो एक इंसानी इज्जत के साथ, एक सम्मान के साथ, अधिकारों के साथ व्यक्ति जी सके। तो इसको दोनों बातों पे थोड़ा सा बताइए कि कितना संघर्ष के बारे में थोड़ा सा बताएं कि श्रम अधिकार सम्मान के साथ मिले, और कानून में और क्या परिवर्तन होने चाहिए, आप और भी देशों में देखती हैं तो कि जिससे कि मानवाधिकार की दृष्टि से और इंसानियत की दृष्टि से थोड़ा माहौल में सुधार हो। जी,
मैं तो ये कहूंगी कि जो मतलब ना श्रम अधिकार की हम बात करते हैं, इसके लिए तो हमारी लड़ाई चालू ही है। जैसे कि आप देख रहे हो कि कोई, वैसे हमारे देश में अगर देखते हैं, भारत देश में अगर देखते हैं, तो सेक्स वर्क को क्रिमिनलाइज किया हुआ है। सेक्स वर्क के साथ जो भी बातें जुड़ी हुई है उनको सबको क्रिमिनलाइज किया हुआ है। हम ये बात बोलते हैं कि देखिए, और कामों की तरह, जैसे कि कोई नौकरी करता है, कोई बहुत बड़ी नौकरी करता है, कोई छोटी नौकरी करता है, कोई किसी के घर में काम करता है, कोई चाहे क्लास 1 ऑफिसर से बिल्कुल मतलब ना झाड़ू लगाने वाला भी काम होता है, काम तो काम होता है, चाहे वो क्लास 1 ऑफिसर का हो, चाहे वो झाड़ू लगाने वाले का हो, काम तो काम ही है। लेकिन वो काम चुनने का अधिकार हमें दिया है हमारे संविधान ने। और हम ये कहते हैं कि जैसे नेशनल नेटवर्क ऑफ सेक्स वर्कर में हम देखते हैं, तो किसी के इच्छा के विरुद्ध वो सेक्स वर्क में नहीं आनी चाहिए। अगर उसकी इच्छा है तो वो सेक्स वर्क में आती है। वो अपने उम्र में बराबर है, जैसे कि 18 साल पूरे हो चुके हैं तो वो आ सकती है। इससे मतलब ना, इससे जो हमें काम काम करने का जो एक अधिकार होता है वो मिलता है। और एक बात है कि हम क्या काम करते हैं, और नौकरियों की तरह भी हम काम करते हैं, सेक्स वर्क करते हैं, इसका मतलब हम कोई गलत काम करते नहीं है, ये काम है। अगर हम लैंगिक सेवा के बदले में किसी से पैसे लेते हैं तो वो हमारा श्रम हुआ, वो हमारा काम हुआ। किसी को सेवा देना, पैसा लेना। डॉक्टर भी सेवा देता है, पैसा लेता है, वकील भी सेवा देता है, पैसा लेता है, तो हम भी अपना सेक्स देते हैं और पैसा लेते हैं। तो ये हमारा एक काम हुआ और इसको काम की मान्यता मिलनी चाहिए, इसलिए हमारा संघर्ष अभी भी जारी है। आपने दूसरी बात कौन सी कही थी बॉबी जी? कानून में क्या परिवर्तन हो हाँ जिससे कि माहौल बदले। जी हाँ, सिंपल सी बात है। कानून को हम ये बात बोलते हैं कि हमारे सेक्स वर्क को डिक्रिमिनलाइज करो, क्योंकि सेक्स वर्क को डिक्रिमिनलाइज आप करते हो तो हम खुल के काम कर सकते हैं। आपने अभी क्रिमिनलाइज किया हुआ है, इसलिए बहुत मतलब ऐसे दब के काम करना पड़ता है। बहुत मतलब एक ये होता है कि बाबा पुलिस आए तो डरो, गुंडा आए तो डरो, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप सेक्स वर्क को डिक्रिमिनलाइज करके तो देखो, हम आपका कानून का हम सहयोग करेंगे, क्योंकि हम ट्रैफिकिंग के बिल्कुल ही खिलाफ है। हम चाहते हैं कि किसी का ट्रैफिकिंग ना हो, कोई ट्रैफिकिंग होके हमारे धंधे में ना आए। जी बॉबी जी, जी, बिल्कुल, बहुत बहुत आपने महत्वपूर्ण बात कही कि सारे अधिकारों के साथ साथ ये बात भी दोहराना बहुत जरूरी है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग के खिलाफ हम सब लोग हैं और बाकी कानूनी अधिकार बिल्कुल मिलना चाहिए और उम्मीद है कि मिले। अब आप हम लोगों को ये बताइए कि आज आप बहुत महत्वपूर्ण जगह पर हैं और महत्वपूर्ण बैठक में भी भाग लिया आपने, तो उसके बारे में भी थोड़ा सा हम सब लोगों से साझा करें। जी जी इस मतलब बैंकॉक में मीटिंग में आने का ये था कि कम्युनिटी लेड मॉनिटरिंग। अब कम्युनिटी लेड मॉनिटरिंग इसका मतलब है क्या, ये समझाया गया। और कम्युनिटी ने कम्युनिटी के लिए काम करना है, कम्युनिटी ने कम्युनिटी के लिए मतलब लीड करना है। अगर हम अभी देखते हैं तो हमारे जो प्रोग्राम चलते हैं, जैसे टारगेटेड इंटरवेंशन का हो गया, तो इसको सरकार लीड करती है। हम काम तो हम करते हैं, बात सही है, ग्राउंड लेवल पे, ग्रास रूट लेवल पे हमें काम करना है, लेकिन उसका सारा जो रिपोर्ट है वो सरकार के पास जाता है। फिर हमें कहते हैं कम्युनिटी इसमें लीड करके काम करती है, लेकिन उसपे तो मतलब ना एक क्या बोलते हैं उसको, एक उसका सारा मॉनिटरिंग सरकार करती है। तो इस तरह से हम ये बोल रहे थे कि कम्युनिटी अगर काम करती है तो कम्युनिटी का कम्युनिटी मॉनिटरिंग करेंगे करे
इस तरह का ये जो मीटिंग था इसमें बहुत सारी चीजें उभर के आई, बहुत सारी बातें भी उभर के आई, जैसे डेटा कलेक्शन करना है। डेटा कलेक्शन अगर करना है तो उसके लिए क्या क्या करना क्या क्या करना पड़ेगा, जैसे प्लानिंग करनी पड़ेगी। अगर मेरा डेटा आपको देना है तो मेरा परमिशन लेना पड़ेगा। लेकिन हम ये बात बोलते हैं कि सरकार के साथ में भी, सरकार भी अगर मॉनिटरिंग करती है तो सरकार सारा मतलब डेटा के हिसाब से ही चलती है। तो ये लगता है कि जैसे अब डेटा, हम इंसान ना होके डेटा हो गए। कहने का ये मतलब है कि देखो काम हम कर रहे हैं, सही बात है। कोई कोई ठीक है, सरकार मॉनिटरिंग कर रहा है, ये बात सही है, लेकिन मॉनिटरिंग सरकार कर रहा है, सरकार भी दो प्रोग्राम चलाती है, तो कम्युनिटी भी कुछ ना कुछ तो उसको मतलब कम्युनिटी भी उसके लिए लीड करती है, कुछ प्रोग्राम के लिए कम्युनिटी भी लीड करती है। अगर आप देखोगे तो मैं खुद पॉजिटिव हूँ, अब मैं HIV पॉजिटिव हूँ, तो ये कहने मतलब ये हुआ कि मैं किरण HIV पॉजिटिव हूँ और मेरा डेटा सब ये गया, मैंने दवाई लिया, मैंने CD4 किया, मेरा वायरल लोड हुआ, मुझे कोई इन्फेक्शन नहीं है, मुझे मतलब ये सारा एक डेटा में भर के चला गया। तो मुझे ये कहना है कि ठीक है, प्रोग्राम चलता है, उसको मॉनिटरिंग भी होना है, लेकिन इसे मॉनिटर करने के लिए, इसको प्रोग्राम चलाने के लिए हमें ऊपर से कोई तो प्रश्न पूछता है कि या ये हो रहा है, अगर ये हो रहा है तो ये किस तरह से हो रहा है, क्या 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 हुआ इसमें, मतलब अगर हाँ चल रहा है प्रोग्राम, एक प्रोग्राम चल रहा है HIV पॉजिटिव के लिए, ठीक है, क्या उनका टेस्टिंग हुआ, क्या वो लिंक हुए, क्या उन्होंने दवाई लिया, क्या उनका CD4 हुआ, क्या उनका वायरल लोड हुआ, ये एक क्वेश्चन निकल के आता है और उस क्वेश्चन के हिसाब से सारी बातें होती है, और लास्ट में रह जाते हैं कौन, जो फील्ड में मतलब जो ग्रासरूट लेवल पे काम करते हैं वो व्यक्ति। तो हमें लगता है कि एज अ सेक्स वर्कर, एज अ HIV पॉजिटिव पर्सन, जो भी आता है वो ग्रासरूट पे लास्ट में आता है, और ग्रासरूट को उतना ही महत्व देना चाहिए जितना हम डेटा को दे रहे हैं, जितना हम सरकार को दे रहे हैं, जितना हम प्रोग्राम को दे रहे हैं। मेरा ये कहना था, ग्रासरूट भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल किरण जी, आपने बहुत ही महत्व की बात करी, और हम लोग का भी यही अनुभव रहा है कि ये मणिपुर में मैंने देखा कि कम्युनिटी लेड मॉनिटरिंग के से जो HIV के साथ जीवित लोग हैं और जो ये पर्सन हु यूज ड्रग्स वाला जो ग्रुप हैं, उन लोगों ने कम्युनिटी लेड मॉनिटरिंग से न केवल डेटा इकट्ठा किया जो समुदाय कम्युनिटी का डेटा था, बल्कि उस डेटा से कार्यक्रम में सुधार करने के लिए भी एक एडवोकेसी करी, और उसमें पॉजिटिव सुधार हुए कार्यक्रम में कि हेपेटाइटिस और HIV प्रोग्राम बेहतर बने। जी तो जमीनी तो बिल्कुल आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि जो अगर लोग कम्युनिटी, क्योंकि अधिकांश डेटा को हम लोग देखते हैं वैज्ञानिक और बाहर के कंसल्टेंट आते हैं, वो डेटा कलेक्ट करते हैं और सरकार उस डेटा का शायद उपयोग करती है कि अपने कार्यक्रम को दिखाने के लिए, लेकिन जमीनी स्तर पे कार्यक्रम में सुधार हुआ नहीं हुआ ये तो कम्युनिटी बताएगी ना। तो कम्युनिटी लेड मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी है, और मुझे बहुत बहुत उम्मीद जरूर, मिलती है, इस बात से ताकत मिलती है कि आप लोग कम्युनिटी लेड मॉनिटरिंग करेंगे तो ज़रूर सुधार होगा। तो आपने HIV का जिक्र किया तो मैं थोड़ा सा ये जानना चाह रहा था कि क्या वायरल लोड आप लोगों के यहाँ सांगली में और बाकी जगह हो पा रहा है, और क्या साल में दो देखिए बार होता है, और क्या अनडिटेक्टेबल लोग रह पा रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में थोड़ी दिक्कतें हैं हर जगह वायरल लोड मॉनिटरिंग की, तो इसलिए मैं ये जानना चाह रहा था, क्योंकि आपको जैसे मालूम है कि वायरल लोड अगर नियम से होगा समय अनुसार और लोग अनडिटेक्टेबल रहेंगे तो अनट्रांसमिटेबल भी रहेंगे, तो ये भी बहुत ज़रूरी है कि HIV ट्रीटमेंट प्रिवेंशन का भी काम करता है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि सबको दवाएं मिलें, एंटी रेट्रोवायरल दवाएं, और
वो वायरल लोड की समय अनुसार जांच हो और वो अनडिटेक्टेबल रहें, स्वस्थ रहें और भरपूर जिंदगी जी सकें। तो हाँ किरण जी प्लीज बताइए। मैं ये कहना चाहूंगी कि वायरल लोड हमारे यहाँ पे जैसे सांगली में, महाराष्ट्र के सांगली में होता है, जरूर होता है, और 6 महीने में एक बार होता है, मतलब साल में 2 बार होता है। इससे जुड़ के एक बात बोलनी थी मुझे, जो आपने ईआरटी दवाई के बारे में कही है। देखिए, लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन लॉकडाउन होने के बाद में जैसे सारी दुनिया ही रुक गई। आपको पता होगा, जैसे सारी दुनिया ही रुक गई, और इससे क्या हुआ कि ठीक है, फर्स्ट लाइन का दवाई मिल जाता है, सेकेंड लाइन का मिलता है, लेकिन थर्ड लाइन का दवाई लाने के लिए हमें कम से कम 12 घंटा जर्नी करके मुंबई जाना पड़ता था, क्योंकि थर्ड लाइन का दवाई कहीं पे अवेलेबल नहीं था, वो बस मुंबई में ही मिलता था। तो जिस संस्था से मैं हूँ, संग्राम और वैम्प से, नेशनल नेटवर्क ऑफ सेक्स वर्कर, ये तो नेटवर्क है, लेकिन मैं जिस संस्था से हूँ, संग्राम और वैम्प से, तो उनसे एक पत्र NHRC को लिखा गया उस टाइम पे, लॉकडाउन के समय, कि थर्ड लाइन का जो दवाई है वो कम से कम जिला स्तरीय सरकारी अस्पतालों में मिले, और फट से वो बात मतलब सुनी गई NHRC से, HRLN से हमने बहुत मदद लिया, उन्होंने फट से वो बात सुनी, और ये बात हो गई कि ठीक है, दवाई जिला स्तरीय मतलब सरकारी अस्पतालों में मिल जाएगी, और वो तब से शुरू हो गया। तो एक मतलब हम ये कहते हैं कि जब हम कोई बात ग्रास रूट लेवल से उठाते हैं एज अ कम्युनिटी, तो वो एक मतलब पॉलिसी बनने के जैसा हो जाता है। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि वायरल लोड पहले तो नहीं होता था, वायरल लोड करने के लिए फिर पुणे चले जाओ या मुंबई चले जाओ, इस तरह से होता था, लेकिन बार 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 कम्युनिटी से ये बात उठी कि वायरल लोड होना चाहिए, वायरल लोड हमारे मतलब जिला स्तरीय अस्पतालों में होना चाहिए, और वो हो गया। अब थर्ड लाइन की दवाई भी उस तरह से हुआ कि ये मिलनी चाहिए जिला स्तरीय सरकारी अस्पतालों में, और वो मिल गई। तो दवाई का स्टॉकआउट जब भी होता है, स्टॉकआउट होता है, नहीं होता है ऐसा नहीं है, स्टॉकआउट होता है, बट उसके लिए भी क्या होता है ना कि अब ठीक है, स्टॉकआउट हुआ है। अभी पिछले महीने की बात है, पिछले हाँ पिछला में पिछले महीने की बात है, डाल्टा गाविर जो मेडिसिन होती है ईआरटी की, उसका स्टॉकआउट हुआ। फिर उसका स्टॉकआउट होने के बाद में ईआरटी सेंटर में बताया कि इसका मतलब ये नहीं, अपने पास है उपलब्ध अभी, और आप मतलब दवाई खरीद लो। अरे खरीदेंगे कैसे, क्योंकि एक तो पहले से हम बीमार हैं, हमसे ज्यादा कष्ट वाला काम नहीं होता है, पेट चलाने के लिए थोड़ा बहुत यहाँ वहां कर लेंगे, 3,000 रुपए की दवाई लाएंगे कहाँ से। और कैसा होता है कि घर में किसी को, शायद ऐसे भी लोग हैं जो घर में पता नहीं होता है कि ईआरटी खा रहे, फिर घर में अगर एकदम से 3,000 रुपए मांगेंगे तो कौन देगा, किस लिए चाहिए, क्यों चाहिए, ये भी बात उठती है ना। तो इस तरह से बात होने पे फिर हमारे मतलब हमारे संगठन के बीच में एक बात हो गई कि ये दवाई तो नहीं है, ये तो बाहर से खरीदो बोल रहे हैं, अब हम क्या करेंगे इसके लिए। तो फिर हमने पहले मतलब मेडिकल शॉप में हमने पूछताछ की, वहां पे 3,000 रुपए बोला। फिर हमने MR जो होते हैं ना, MR के पास में पूछताछ की, तो उसने बोला 850 रुपए। फिर हमें पता चला कि हमारे मतलब डिस्ट्रिक्ट से छोड़ के पास के डिस्ट्रिक्ट में दवाई मिलती है और कम पैसे में मिलती है। फिर हमारे सर जो है वो गए हुए थे कोल्हापुर, तो फिर हमने उनको फोन किया, और वो जो बुक पे लिख के देते हैं ना दवाई, उसका फोटो निकाला, उनको भेजा। उन्होंने कोल्हापुर से, हमारा एक कोलिग था वो उस मेडिकल में चला गया, उस मेडिकल से वो दवाई लाया,
सिर्फ 250 रुपए में वो दवाई हमें उस ईआरटी के मेडिकल में मिली। लेकिन ये सारी इंफॉर्मेशन लेना, ये सारा इकट्ठा करना एक संगठन की तौर पे हो सकता है, क्योंकि तो मेरा संस्था, मेरी संगठना है, हम इस बात पे हम बात करते हैं, हम सब मिलके डिस्कस करते हैं। लेकिन जो मतलब ना, मतलब जैसे मेरा ये कहना है कि जिसको कुछ पता नहीं है इसके बारे में, जो बिल्कुल भी एक छोटे से विलेज में रहता है, उनका क्या करे, उनका किस तरह से करे, जो बस आते हैं, दवाई लेते हैं, चले जाते हैं, 6 महीने में एक बार रिफर करते हैं, 6 महीने में एक बार ये करते हैं, वायरल लोड करते हैं, तो इस तरह से। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि मेरा कहने का मतलब ये था कि अगर दवाई भी मतलब स्टॉक आउट होता है अस्पतालों में, स्टॉक आउट होना ऐसा दिख रहा है, होगा अब स्टॉक आउट, इसके लिए जो सरकारी अस्पताल वाले हैं उन्होंने जल्द से जल्द एडवोकेसी करके वो दवाई मंगा लेना चाहिए, क्योंकि एआरटी फ्री में मिलना ये तो हमारा अधिकार है। तो ये बात थी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही आपने बात बताई। और ये बात भी बहुत महत्व की आपने बताई कि सबको वायरल लोड मिलना चाहिए, भले ही वो ग्रामीण क्षेत्र जी में हो, दूर दराज के इलाकों में रह रहा हो या रह रही हो, क्योंकि एचआईवी दवाएं निशुल्क मिलना, सारी स्वास्थ्य सेवाएं निशुल्क मिलना, और ये एक मानवाधिकार है, स्वास्थ्य एक मानवाधिकार है। और एचआईवी दवाओं के साथ वायरल लोड जरूरी इसलिए है जिससे कि व्यक्ति को ये पता रहे कि वो अनडिटेक्टेबल है, और तभी वो स्वस्थ रह सकेगा और संक्रामक रोगों से, अवसरवादी संक्रमणों से भी बचेगा। और दोस्तों, आप सब लोगों को मैं ये बता दूं कि कई महीनों से दolutegravir, जिस एंटी रेट्रोवायरल दवा का जो एक जीवन रक्षक दवा है और एंटी रेट्रोवायरल दवाओं में से एक है, उसका और कुछ बच्चों की एंटी रेट्रोवायरल दवाओं की देश के बहुत सी जगहों में कमी हो गई थी, और एचआईवी से के साथ जीवित लोगों ने दिल्ली नेटवर्क ऑफ पॉजिटिव पीपल के साथ नेको के कार्यालय के बाहर 42 दिन तक दिन रात वो वहीं पे धरने पे रहे, और वो तब तक नहीं उठे जब तक जितनी भी शिकायतें आ रही थी दवाओं की कमी की, जो आपूर्ति श्रृंखला की कमी की, वो दूर हुई। तो किरण जी, आप बहुत ज़रूरी बात कह रही हैं कि ये सरकार की जिम्मेदारी है कि वो ये बात सुनिश्चित करें कि दवाओं की, जीवन रक्षक दवाओं की कमी नहीं होनी चाहिए। जब हम लोग को मालूम है कि कितने लोगों को दवा जाती है, कौन सी दवा जाती है, किस सेंटर से जाती है, तो इसमें ये आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत रखने की जरूरत है। जिस तरह से हम लोग घर में कोशिश करते हैं, अगर साधन हो कि दाल चावल खाने का सामान बना रहे, तो उस तरह से ये सरकार की भी जिम्मेदारी है कि दवाएं और सारी स्वास्थ्य सेवाएं बिना बिन आगे, बिना रोक टोक के, बिना कोई अवरोध के चले। तो बहुत बहुत शुक्रिया किरण जी, आपका कोई और संदेश, कोई और बात आप कहना चाहेंगी हम लोगों के साथ? एक और बात कहना जी चाहूंगी, जी बस एक ही है कि हम फिर से एक बार सुप्रीम कोर्ट का तहे दिल से स्वागत करते हैं, तहे दिल से शुक्रिया करते हैं, जिन्होंने एबॉर्शन के बारे में जो अभी बात कही है कि एबॉर्शन के वक्त पति का सिग्नेचर नहीं होगा तो भी चलेगा, इसका हम बहुत स्वागत करते हैं। थैंक यू वेरी मच। जी जी बिल्कुल। और किरण जी, हम लोग भी आपके साथ जुड़े हैं सुप्रीम कोर्ट का इस निर्णय के लिए, उसका स्वागत करने में, और ये बहुत महत्व की बात थी, जिस देर जरूर हुई इस न्यायपूर्ण निर्णय आने में, लेकिन बहुत स्वागतपूर्ण निर्णय रहा। तो आपको किरण जी, नेशनल नेटवर्क ऑफ सेक्स वर्कर्स NNSW के सभी साथियों को, वैम्प संग्राम के सभी साथियों को, हम सब लोगों का बहुत बहुत सलाम और बहुत बहुत ताकत। आपने बहुत जीवटता के साथ सालों साल, मीना जी और आप जैसे लोगों ने बहुत महत्व की ये संघर्ष किया है, और ये बहुत उम्मीद देता है और बहुत से और इस तरह के आंदोलनों को मजबूती देता है। तो उम्मीद है कि स्थिति और बदलेगी और एक सम्मान पूर्ण जिंदगी हर व्यक्ति जी सकेगी और जी सकेगा, चाहे वो किसी भी तरह का काम कर रहा हो
और इसी उम्मीद के साथ हम लोग आपसे विदा लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया किरण जी, मुझे मालूम है कि शुक्रिया आपको जी, बहुत जाना थैंक यू, है। बहुत धन्यवाद, थैंक यू। थैंक यू सो मच। नमस्ते।